टेक टॉक्स में हर हफ्ते हम आपसे मिलते हैं, बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिससे आपकी जिंदगी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट शायद पड़ा हो या आने वाले समय में पड़ सकता है। और इस हफ्ते भी हम सोच रहे थे कि ऐसी क्या चीज के बारे में बात की जाए, लेकिन पिछले हफ्ते में इतना कुछ हो गया है कि एक टॉपिक चूज कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो हमने सोचा क्यों ना जो कुछ भी बड़ी बड़ी खबरें रही हैं टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, उन सब के बारे में ही आज बात कर ली जाए। तो आज हम बात करेंगे वी ट्रांसफर के ऊपर लगे हुए बैन के बारे में, बात करेंगे जो एंटी चाइना सेंटिमेंट एक बना है इंडिया में चाइनीज एप्स और कंपनीज के अगेंस्ट, उसके बारे में, और आपको बताएंगे कि आपके पास कौन से दूसरे ऑल्टरनेट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं इनकी जगह है। मेरे साथ है गौरव उप्रेती, हितेश अरोड़ा, आप देख रहे हैं जी बिजनेस, मैं हूं मानस तिवारी। सबसे पहले चलते हैं हमारे ओपनिंग बैच में, हमारे वीरेंद्र सहवाग। गौरव, मैं आपके पास आऊंगा। ये जो वी ट्रांसफर के ऊपर जो बैन लगा है इसके क्या है सारा मसला है? ओके तो ऑफ कोर्स वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वी ट्रांसफर एक ऐसी सर्विस है जो आपको अलाउ करती है अराउंड 2 GB डेटा तक ट्रांसफर करने की। ये ऑडियो, वीडियो, म्यूजिक, फाइल कुछ भी हो सकता है। और गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया कि वी ट्रांसफर की जो कि बहुत ही पॉपुलर है, गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया कि कुछ लोग हैं जिसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत प्रकार की चीज़ें इधर उधर ट्रांसफर कर रहे हैं। पर हाँ, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि बेस्ट तरीका होगा उसको बैन कर दें। ऑल द लोग ब्लूटूथ से भी ट्रांसफर करते हैं, इट्स नॉट रियली अ ओपन फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म, बट इट्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। बट ठीक है, गवर्नमेंट को लगा कि थोड़ा थ्रेट है, ठीक नहीं है, तो बंद कर दो। हितेश, ये देखिए, ये हम अक्सर देखते हैं कि इस तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं जब भी आपको ऐसा लगता है कोई एक ऐप है जिसका ठीक तरीके से यूज नहीं हो रहा है, तो आप उसे बिल्कुल आप बैन कर सकते हैं, विच इज एब्सोल्युटली फेयर। लेकिन इस केस में प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि वी ट्रांसफर अपना कॉन्टेंट नहीं बना रहा है, वो एक बस कैरियर है जहां पर कोई भी आके फाइल अपलोड करके उसे भेज सकता है। तो कितना फेयर है हितेश इस तरह के एक प्लेटफॉर्म को इस रीजन से बैन कर पाना? देखिए, फेयर एंड फेयर की बात मैं बाद में करूंगा। पहले गौरव से पूछूंगा कि ये ब्लूटूथ से कौन ट्रांसफर कर रहा है यार। आज के डेट में भी वी हैव अदर थिंग्स यार आल्सो, वी कॉलेज हैव के टाइम पे शेयरिंग, तुमने वी जो हैव वीडियोस, मेरा व्हाट्सएप। मेरा इंडिकेशन वीडियोस की तरफ था, तो वो तो अगर किसी को ट्रांसफर करना है तो हम लोग ब्लूटूथ से बदल ले भाई। नहीं, बहुत पुरानी बात हो गई, पर आज के डेट में लोग शेयर इट और व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हैं। जैसा कि मानस जी बोलते हैं कि हाँ, ऑफ कोर्स वो अपना कोई कंटेंट तो जनरेट कर नहीं रहा। वी ट्रांसफर के पास इट्स जस्ट लाइक आप अपलोड किया, आपने शेयर कर दिया विद अ लिंक टू समवन एल्स। पर ये तो इसके लिए इसको बैन करना आई डोंट थिंक सो इट्स राइट, क्योंकि आप अगर उस कंटेंट की मोनेटाइजेशन नहीं कर सकते, आप उसको मतलब ये नहीं देख सकते कि वो कंटेंट क्या जा रहा है, आप उसकी उस तरह की स्क्रूटनी नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो दैट इज ऑल्सो योर प्राइवेसी ब्रीच कि आपका क्या कॉन्टेंट गया वहां पे, एंड इफ दे स्टार्ट लुकिंग एट इट इवन इफ इट्स अ कंप्रेस्ड फोल्डर, बिकॉज आई अज्यूम इस तरह की जितने भी फाइल्स अगर ट्रांसफर हो रही होंगी तो वो एक सॉर्ट ऑफ कंप्रेस्ड फोल्डर में हो रही होंगी या कोई जिप फोल्डर में हो रही होंगी, क्योंकि कोई इतना ओपन तो वो करेगा नहीं। पर अगर ये सब है तो आई थिंक फिर इस हिसाब से तो सारे धीरे धीरे सब ट्रांसफर जितने भी प्लेटफॉर्म्स है वो बैन हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लोग इस तरीके से ट्रांसफर कर रहे हैं। आपको आप कब तक उस पर कंट्रोल कर पाएंगे? बिल्कुल ही इनफैक्ट गलत जैसे गूगल भी है, कंटेंट गूगल ड्राइव भी है। गूगल ड्राइव एटलीस्ट ये करता है कि वो आपकी फाइल के एक्सटेंशन पढ़ लेता है, तो जहां भी उसको .exe फॉर्मेट या इस प्रकार के उस फॉर्मेट नजर आते हैं वो आपको अलाउ नहीं करता। पर हाँ, है। बट ये इसके वी ट्रांसफर अलावा में अगर आप केस था नहीं, बट व्हाट्सएप या देखेंगे, फेसबुक देख, फेस व्हाट्सएप है, फेसबुक है, वहां पे भी कंटेंट तो कोई भी किसी तरह का अपलोड कर सकते हैं, पर आप उसके लिए फेसबुक को अकाउंटेबल आप हेल्ड नहीं करते ना, एकदम से होल्ड नहीं करते उस चीज के लिए। पर गौरव, जो एक बहुत बड़ा रीजन था पॉपुलैरिटी का वी ट्रांसफर की स्पेसिफिकली, वो ये था कि वहां पर आप 2 GB तक का फाइल अपलोड कर सकते थे बिना किसी प्रीमियम अकाउंट के, बिना कुछ भी पे किए हुए। उसके बियॉन्ड आपको ऑफ कोर्स एक अकाउंट देना पड़ता था। तो अब जब ये सर्विस नहीं है फिलहाल, फिलहाल के तो नहीं है कम से कम, तो ऑल्टरनेट्स क्या है हमारे पास? कौन से दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप, जिन पर फाइल्स अपलोड कर सकते हैं? हाँ ऑफ कोर्स वी ट्रांसफर का एक और एडवांटेज ये होता था, ये है कि कंप्रेशन नहीं है। अगर मुझे अपने कोई वीडियो मुझे ट्रांसफर करनी होती, लाइक अगर हम लोग जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मुझे ट्रांसफर करनी है, तो देर इज नो कंप्रेशन, देर इज नो जनरेशन लॉस एज सच। हाँ ऑफ कोर्स बंद हो गया, लेकिन ऑप्शंस हमेशा से रहे हैं। इट वाज लाइक जब गवर्नमेंट ने वेबसाइट्स बैन की थी तो लोगों को पता चला कि अरे वीपीएन नाम की भी कोई चीज होती है, सो पीपल फाइंड अ वे अराउंड एंड देर आर लॉट्स ऑफ सर्विसेज। घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जैसे आप गूगल करेंगे कि वी ट्रांसफर का ऑल्टरनेट क्या है, तो गूगल आपको गूगल ड्राइव का ऑप्शन देगा। उसके अलावा स्मैश है जो इस समय आपको अनलिमिटेड ऑप्शन दे रहा है फिलहाल, कि अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ यू नो डेटा आप अपलोड करके ट्रांसफर कर सकते हैं।
वन ड्राइव है माइक्रोसॉफ्ट, ऑफ कोर्स काफी ऑफिसेज में माइक्रोसॉफ्ट सूट लोग यूज करते हैं, गुड ओल्ड ड्रॉपबॉक्स जो आई थिंक हमारे फोन्स में भी अवेलेबल है, काफी लोग यूज नहीं करते थे बट एटलीस्ट थोड़ा ध्यान देना उस पर शुरू कर देंगे। सो ऑप्शंस काफी हैं, काम कभी रुकेगा नहीं। पर हितेश चैलेंजेस क्या है कि क्यों ऐसा हो रहा था कि इन सारे प्लेटफॉर्म्स के रहते हुए भी वी ट्रांसफर इतना पॉपुलर हो रहा था? देखिए गौरव ने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, उसके बाद वी ट्रांसफर भी काफी टाइम से एग्जिस्ट करता है। उसकी जो अच्छी बात है उसकी अपलोड और डाउनलोड जो है वो दैट्स एक्सीलेंट। आई मीन एक तो 2 GB का आपका वो हो गया, लिमिट हो गया कि भाई 2 GB तो आप फ्री में आप कर ही पाएंगे। बाकी अकाउंट्स में चाहे गूगल हो, चाहे वन ड्राइव हो, चाहे आपका मतलब ड्रॉप बॉक्स हो, कोई भी हो, उसमें सब में सीन ये है कि आपको इवेंचुअली आपको स्पेस परचेज करनी पड़ती है, एक स्टोरेज स्पेस होती है। मोस्टली हम सब लोग गूगल ड्राइव ही यूज करते हैं क्योंकि गूगल ड्राइव में आप यूजली आपके फोन में वही जीमेल से आपका फोन लॉग इन है, तो आप उस तरह के जितने भी सर्विसेज हैं आप अपने जीमेल से यूज करते हैं। तो पर जीमेल का जो आपकी मेल का डेटा है, आपके ड्राइव का डेटा है, आपकी फोटोज हैं, वो सब मोस्टली सिंक अप हो रही हैं आपकी गूगल ड्राइव से, तो आपका स्पेस बहुत कम बचता है। सो मोमेंट यू स्टार्ट अपलोडिंग, जो मैं भी कभी कभी नोटिस करता हूँ कि अगर मेरे को कोई छोटी फाइल भी ट्रांसफर करनी होती है तो मोमेंट आई स्टार्ट अपलोडिंग अब मुझे रियलाइज होता है कि अरे यार इसमें तो डेटा नहीं है, मतलब स्पेस नहीं है, तो मुझे वो स्पेस एडिशनल स्पेस परचेज करना पड़ेगा। गूगल ने पहले कई बार मेरे को याद है कि बीच में गूगल ने बहुत फ्री डेटा दिया था, मतलब फ्री स्पेस दिया था लोगों को और काफी टाइम के लिए दिया था, बट गूगल स्टार्टेड टेकिंग इट बैक, और जब से वो हुआ है उसके बाद से वो गूगल ड्राइव में अब स्पेस बहुत कम है, अब आपको परचेज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो आई थिंक आपको इस समय पर इसमें आपको लगता है कि कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी हो सकती है, बिकॉज जो बाकी हम ऑल्टरनेट देख रहे हैं दीज आर कंपनीज विच ऑफर अ सूट, मतलब ये नहीं कि एक सर्विस ऑफर कर रहे हैं, उनका पूरा एक ऑफिस सूट होता है कि आपको ईमेल एप्लीकेशन फाइल यू नो ऑल दीस थिंग्स। आपको कुछ लगता है ऐसे? नहीं ऐसा कुछ नहीं लगता, इट जस्ट दे स्टार्टेड विद दिस मॉडल ऑफ कि आपको वो ज्यादा ल्योर करेंगे कि आपको फ्री सर्विसेज देके आपको ल्योर कर लिया, अब आप उसके एडिक्ट हो चुके हैं। जैसे गूगल ड्राइव के लिए हम लोग तो बिल्कुल ही एडिक्ट हैं, अगर हमें फर्स्ट थिंग्स अगर कुछ भी अपलोड करना है फर्स्ट थिंग वी विल सी कि अपने ड्राइव में अपलोड किया एंड शेयर इट विद समवन एल्स और जस्ट कीप इट इन आवर ड्राइव, ऐसी कोई भी ऐसा कोई भी एक स्पेसिफिक ये वैसे तो बड़ा कुछ भी हो सकता है टॉपिक हो सकता है, कभी इस बारे में बात करनी चाहिए कि हमने ऐसी कौन सी सबसे फैसिनेटिंग रूमर्स सुनी है टेक्नोलॉजी की दुनिया में किससे हम इस पे बैठ के बात कर सकते हैं। काफी हां क्योंकि लॉजिक तो बड़ा वो हां लॉजिक एवरीथिंग आप कर सकते हैं, लोगों के पास हर एक चीज के लिए अपनी थ्योरीज हैं, वो अपनी थ्योरी लेके बैठे रहते हैं कि इस वजह से ऐसा हुआ होगा, तो ये तो इसको कोई डिनाय नहीं कर सकता बिल्कुल। अरे आपको याद होगा वो आपने वो वाले देखे थे ना, सारे रेंडर्स देखे थे, बड़ी इमेजेस आ गई थी, लोग पागल हो गए थे कि वो ट्रांसपेरेंट फोन के आर पार आप देख पाएंगे। उस टाइम पे भी मैं लोगों को कहता मर गया कि सर उसमें आप मदरबोर्ड कहाँ लगाओगे, जो आपके चिप्स वो कैसे ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट बोर्ड ही कैन। तो मतलब सर्किट बोर्ड है, बहुत सारी चीज है, बैटरी है, कहाँ लगाओगे, वो कैसे ट्रांसपेरेंट करोगे। But people were believing कि नहीं ये आने वाला है। अरे भाई यार किसने सोचा था कि कोरोना वायरस आएगा, इस समय हम कुछ भी बिलीव कर सकते हैं। हितेश आपके बैकयार्ड में एक एलियन हो सकता है जादू जो धूप सेक रहा है, you just have to go out and see. be optimistic and believe in everything. हितेश एक और जो ठीक चीज हुई है पिछले एक हफ्ते में जो हुआ एक बहुत मेजर एंटी चाइना सेंटिमेंट बन गया इंडिया में इस समय, चाहे चाइनीज एप्स हो, कंपनीज हो, प्लेटफॉर्म्स हो, सबके अगेंस्ट, ये कहां से शुरू हुआ, इसका क्या रीजन था? देखिए एंटी चाइना सेंटिमेंट एक्चुअली तो सही मायने में शुरू हुआ जब ये कोरोना वाइड स्प्रेड हुआ, और सबसे बड़ा इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल गया था कि विद इन चाइना लाइक शांघाई और बीजिंग में कोरोना नहीं पहुंचा था बट इट स्प्रेड बाकी सब कंट्रीज में पहुंच गया। सो ये बहुत एक स्ट्रेंज चीज थी, इससे लगा एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकल के आई, लोग सोचते हैं कि ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, तो उस वजह से एंटी सेंटिमेंट तो शुरू हो चुका था। उसके बाद टिकटॉक पे मूव हुआ कि सारा गुस्सा वो टिकटॉक पे निकाला गया इन अ वे कि टिकटॉक पे नेगेटिव रिव्यूज गए, नेगेटिव कमेंट्स गए, टिकटॉक की रेटिंग 4.5 से 1 स्टार पे आ गई। पर अभी के लिए मिस्टर वांगचू ने एक वीडियो जब से पोस्ट किया, दिस इज जो आपका मतलब अभी डिस्प्यूट चल रहा है हमारा
तो वो इंडिया चाइना के जो डिस्प्यूट की वजह से उन्होंने ये एक वीडियो पोस्ट किया कि वी शुड बी मोर आत्मनिर्भर, बहुत हमें इम्पोर्टेंट है। आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हाँ, हम लोगों को अपने अपने यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए उन्होंने ये एक सॉर्ट ऑफ अपील की टू द इंडियंस कि आप अपने प्रोडक्ट्स खरीदिए, आप बॉयकॉट कीजिए चाइना के प्रोडक्ट्स को, क्योंकि अगर आप उनकी उनको फाइनेंशियली वीक करेंगे, दैट्स हाउ द रिवोल्ट विल स्टार्ट। तो इस वजह से शायद एकदम से सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया ही ऐसी चीजों को सबसे ज्यादा पिक करता है, मतलब इट्स अ ट्रेंड, इट कम्स एंड गोज, बहुत इजिली आता है और चला भी जाता है। तो पर स्टार्ट हुआ कि हम चाइनीज ऐप्स हटाएंगे, और वो चाइनीज ऐप्स हटाने के लिए इतना तक हो गया कि देयर इज दिस ऐप कॉल्ड रिमूव चाइना ऐप विच केम ऑन गूगल सर्च। व्हाई आई एम सेइंग इट केम, क्योंकि अब वो चली भी गई है, क्योंकि वो आई थी 17 मई को, 17 मई को आई थी वो ऐप। 10 दिन के अंदर अंदर वो ऐप 1 मिलियन व्यूज, 1 मिलियन डाउनलोड्स हो गए थे, विच वॉज लाइक ह्यूज। फिर उसके बाद वो उसके अगले 4 दिन में, 5 दिन में 4 मिलियन हो गए थे। तो वो मतलब इतना उसके डाउनलोड्स बढ़ गए थे कि इट वॉज द बेस्ट फ्री ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर। अभी अनफॉर्चुनेटली गूगल ने उसे हटा दिया है। फंक्शन यही था उस ऐप का कि आप डाउनलोड कीजिए, इट विल स्कैन द एप्स ऑफ योर फोन एंड विल टेल यू कि ये वाली एप्स हैं जो कि चाइना स्पेसिफिक डेवलपर्स या चाइना स्पेसिफिक कंपनीज ने बनाई हैं। तो वो उसको उसको बेसिकली वो आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दे देगा, आप चाहो पर तो उसे रितेश, आपको अनइंस्टॉल कर लगता है कि लो। इस नहीं, ऐप को हटाने में भी चाइना का हाथ है? हो सकता है हो सकता है, क्योंकि अभी तो लेकिन कुछ भी हो सकता है। गौरव, एक जो सेंटिमेंट हमने ये देखा ना कि लोग इतना ज्यादा इसमें कैरिड अप हो जाते हैं कि आपने सडनली इतना हल्ला कर दिया, और आप कह रहे हैं कि देखिए, आत्मनिर्भर बनने का मतलब ये नहीं है कि आप किस चीज को त्याग दें। आत्मनिर्भर बनने का मतलब है आप पहले रेडी तो हो जाइए, आप सेल्फ रिलायंट तो बनिए, आप ऑल्टरनेट्स तो लेकर आइए। क्योंकि ऐसा, आपने एक टी शर्ट ली है, वो टी शर्ट पुरानी हो गई, तो आप उसे आप हटाएंगे कब? जब आप एक नई टी शर्ट लेंगे तभी ना। ऐसा नहीं है कि नई भी नहीं ली और उसको भी हटा दिया, क्या पहनेंगे? तो यहाँ पे ये समझना भी तो जरूरी है कि आप ऑल्टरनेट्स लेके आइए। हमारे पास इस समय ऐसे इंडियन बहुत कम कंपनीज हैं, ना के बराबर, ये जो स्मार्टफोन्स बना रही हैं। तो हमें वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसके लिए वो तैयारी करनी पड़ेगी, तभी ये प्रॉपर एक ट्रांजिशन पूरा हो पाएगा। बिल्कुल, ये एक तरीके से एक एनालॉजी दूंगा जैसे फेक न्यूज, फेक न्यूज और एक प्रोडक्ट क्रिएशन में और एक्सेप्टेंस में सिमिलैरिटी यही है। फेक न्यूज क्या है कि आपको एक खबर मिली और आपने मान ली, क्योंकि आपके लिए कन्वीनियंट है, आपको बैकग्राउंड सर्च नहीं करना, अपना दिमाग नहीं लगाना, आपने मान लिया कि ये हो रहा है कि भाई मोमोज नहीं खाने, कोरोना वायरस हो रहा है। टेक्नोलॉजी का भी है कि काफी कंपनियां ये हैं कि वो अपॉर्चुनिटी देखती हैं, वो अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स की, अगर हाँ कहीं एक सोर्स कोड अवेलेबल है या एक हार्डवेयर अवेलेबल है तो मैं इनमें अपना दिमाग क्यों वेस्ट करूं, मैं फोकस करता हूँ डिजाइन में और उसको थोड़ा सा यूआई में करूं, जो ना दिमाग लगाऊं। तो इस तरीके से आती है प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं। ऑफ कोर्स एक प्रोडक्ट को बनाने में इट्स अ साइकिल, यू नो, कि जैसे हम बात कर रहे थे कि कोई भी कंपनी आती है, मे बी यू नो कि एक चाइना में कोई रिसोर्स, एक नई माइनिंग हुई, एक फैसिलिटी डेवलप हो गई, चाइना ने बोला कि हमारे लेबर फोर्स हमारा तैयार है, हमारी असेंबली लाइन तैयार है, हमारे रिसोर्स तैयार है, आप आए। नाउ देयर इज अ कंपनी इन यूएस जिसने पेटेंट फाइल कर दिया है, पर उसको असेंबल बिकॉज कॉस्ट उसको वायबल नहीं लग रही, वो चाइना में मूव करेगी, वो वहां इन्वेस्ट करेगी, उसका जो सीईओ होगा हो सकता है वो इंडियन हो या कोई कोरियन हो। सो दैट्स हाउ वी've सीन कि हर प्रोडक्ट में एक कंपनी, हम कोलैबोरेटिव मानते हैं कि एफर्ट जो है। ओनर है, हाँ, इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिकॉज अ लॉट गोज इनटू इट। और अभी जैसे लोग अब यू नो बात कर रहे हैं कि चलिए हम बॉयकॉट करेंगे चाइना को, मैं एक्चुअली स्मार्टफोन का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, और क्योंकि फनी भी है, क्योंकि जो हम एप्स की बात कर रहे थे कि आप इस ऐप में एक प्रॉब्लम भी ये भी थी कि अगर आपने ऐप आप डाउनलोड कर रखी प्ले स्टोर से कहीं और से, तो वो उसको डिटेक्ट कर रहा है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो जो नेटिव एप्स हैं उसके अंदर चाइनीज, वो उनको फेल कर रहा था डिटेक्ट करने में। सो एक छोटा लूप होल ये भी था उसमें। बट ऑफ कोर्स अपने फोन भी देखिए आप, यू नो, और चाइना का एडवांटेज यह है कि इट्स बीन ओवर द ईयर, ये 50 साल का उनका एक प्लान था कि कैली, ये शुरुआत हुई माइनिंग से, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, जो कि वर्ल्ड में 80-90% चाइना ही प्रोवाइड करता है, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कि उसको माइनिंग करना, एक्सट्रैक्ट करना, और वो छोटे एलिमेंट्स को उनसे एक्सट्रैक्ट करना। और ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में हर कॉम्पोनेंट में इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप इनकी इनकी वैल्यू बनती है क्योंकि आप चिप डिजाइन करते हैं, दे आर वेरी यू नो डेलिकेट, वेरी असेंशियल एलिमेंट्स, छोटे छोटे कॉम्पोनेंट्स। अब वहाँ अवेलेबल है, अब जहाँ अवेलेबल है, जिसकी एक्सपर्टीज है, आप उन्हीं के पास जाते हैं बिकॉज वो सर्विस बेस्ड हैं। जैसे हम आईटी सर्विसेज बेस्ड हैं, वी डोंट रियली क्रिएट दोज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, बट वी आर गुड इन कोडिंग एंड ऑल दैट, और हम अपनी आईटी सर्विसेज दुनिया को बेचते हैं। बिल्कुल चाइना असेंबली लाइन ये सब करता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा होता है ना, थोड़ा सेंसिबिलिटी से काम लेना चाहिए कि कैसे काम कर रहा है ये, क्या लॉन्ग टर्म फायदा है, नुकसान है।
और आई थिंक वांगचुक का भी वीडियो जो था, और इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर ने भी जो बताया कि आत्मनिर्भर मतलब ये है कि ठीक है अपनी कैपेबिलिटीज को आप और ग्रो करें, वेयर यू कैन ऑल्सो क्रिएट वायबल ऑप्शंस, नॉट लाइक बॉयकॉट और हम कुछ नहीं करेंगे. मतलब वो बीटल के जो फोन आते थे वो भी चाइना से आते थे. और ऐसा पहले भी हुआ है कि क्या होता है ना, इस चीज का बहुत लोग एडवांटेज भी लेते हैं कि इसका फायदा उठा के आपको एक ऐसा ऑल्टरनेट दे देंगे, बोलेंगे देखिए हमने मेक इन इंडिया है या इंडिया में बनाया, जबकि उसमें बहुत सारे लूपहोल्स होते हैं और बेवकूफ बन जाते हैं. तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम कोशिश कर रहे हैं आत्मनिर्भर बनने की, सेल्फ रिलायंट बनने की, लेकिन ये एक प्रोसेस है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है. रातों रात ये ट्रांजिशन नहीं हो सकता, टाइम लगेगा. और ये मैं क्यों कह रहा हूँ हितेश, क्योंकि एक और ऐप अभी ऐसी आई, मित्रों ऐप, एक उसने बड़ा पॉपुलर सेंटीमेंट का अगेन फायदा उठाया और बोला कि ये टिकटॉक का अल्टरनेट है. बट अब अगेन आपको थोड़े दिनों के बाद पता चलता है कि उस ऐप में वल्नरेबिलिटीज आ गई हैं और उसको भी गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है. देखिए अब गूगल बहुत सारी ऐप्स हटा रहे हैं, मतलब हमें समझ नहीं आ रहा क्यों. इसके डिटेलिंग में जाना पड़ेगा. इस केस पे तो आपको चाइना वाली थ्योरी भी फेल हो जाती है ना, क्योंकि ये तो चाइना को कोई ऐसा डायरेक्ट. हाँ बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. इनफैक्ट आपकी जो रिमूव चाइना ऐप है वो भी आपकी जयपुर के कोई डेवलपर्स हैं उनकी बनाई हुई ऐप थी, एंड दे वर गोइंग गागा अबाउट इट कि देखिए हमने ये बनाया. पर मैं अभी इस चीज के नहीं कह रहा. हाँ ऑफकोर्स अगर कोई उसमें वल्नरेबिलिटी है तो उसको आपको हटाना चाहिए, क्योंकि दैट विल लीड टू मोर कॉम्प्लिकेशंस. आपकी आपकी सिक्योरिटी, प्राइवेसी, बहुत सारी चीजें उससे इफेक्ट हो जाएंगी और वो ज्यादा आपको हार्मफुल है देन द चाइना ऐप्स राइट नाउ. तो मित्रों ऐप आई है, ऑफकोर्स टिकटॉक का अल्टरनेटिव लेके आई थी. मतलब बहुत लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया था उसकी, एकदम से ऑल ऑफ अ सडन उसकी एक पॉपुलैरिटी बनी थी. बट वल्नरेबिलिटी की वजह से हटा लिया गया. बट मेरे को ये समझ नहीं आया कि टिकटॉक ऐप है आपके गूगल प्ले स्टोर पे, अगर आप उसे हटाना चाहते हैं, अगर एज लॉन्ग एज जैसे मैं हूँ, अगर मैं उस ऐप पे उसको सिर्फ स्क्रॉल करने के लिए यूज कर रहा था तो मैं उसको शायद आई माइट एज वेल आई डोंट इवन यूज इट, बिकॉज वो सारे वीडियोज मुझे फेसबुक और यूट्यूब पे इन माई फेस मतलब कभी ना कभी फीड में ऐसे दिखते ही रहते हैं. तो आई डोंट थिंक सो आई रियली नीड दैट ऐप. बट हाँ अगर मैं क्रिएटर हूँ तो शायद मेरे को वो जरूरत पड़ेगी. बट हाँ वो रिमूव चाइना ऐप की बात करें तो आई मीन रिमूव चाइना ऐप भी गई, मित्रों ऐप भी चली गई है. तो आई थिंक हमारे पास अभी ऑल्टरनेटिव कुछ है नहीं. हो क्या रहा है, कोरोना आ गया, मित्रों ऐप भी चली गई, व्हाट इज दिस यार. सॉरी अगर मैं लॉन्ग टर्म एक पर्सपेक्टिव से बात करूं, देखिए हम, मैं भी चाहूंगा, आप भी चाहेंगे, हितेश भी चाहेंगे कि एक ऐसा दिन आए जब हमारे फोन में जितनी भी ऐप्स हों सारे इंडियन डेवलपर्स की हों, हमारा फोन भी है वो इंडिया में ही कोई इंडियन कंपनी बनाए. लेकिन इसको अचीव करने का प्रोसेस क्या है यहां से? मैं एक चीज बोलना, सबसे पहले शुरू होता है, सॉरी मैं बात करना था कि आई थिंक एक मैं थोड़ा वाइडर टर्म से बात करूंगा. सारा प्रोसेस शुरू होता है हमारे एजुकेशन सिस्टम से, क्योंकि हमारी जो पढ़ाई है हमें सिखाया था कि हमें बेहतर मैनेजर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है. कभी हमारे अंदर एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन कभी सिखाया नहीं आता. और वो हमारे प्रैक्टिकल लैब्स में हमने देखा होगा कि वो घिसे पिटे एक्सपेरिमेंट हैं, उन्हीं को ही हमें रिपीट करना है, रेप्लिकेट करना है. पर कभी ऐसा नहीं किया था कि क्रिएट समथिंग न्यू और उसके बेसिस आपको जज किया जाए, राइट? तो वहां से क्योंकि आपको ना ये चीजें होती शुरू से ही नर्चर की जाती हैं कि यू नो लुक बी क्रिएटिव, थोड़ा क्रिएटिविटी साथ प्ले करो, कुछ इनोवेट करो. तो आई थिंक शुरुआत वहां से है और फिर हम आते हैं. तो यू नो ऑफ कोर्स आई थिंक दैट इज द मेन फैक्टर. दूसरा जो गवर्नमेंट को करना है कि एक फ्रॉम द यू नो एसेंशियल थिंग्स लाइक अ रिसोर्स, कि कहाँ रिसोर्स ज्यादा अवेलेबल है, कहाँ हम एक फैक्ट्री सेटअप करें जो चीजों को क्रिएट कर सके, कहाँ एक R&D सेंटर बने, कहाँ हमारी फैक्ट्रीज बने. तो जब कंपनीज को ये सारे ऑप्शन मिलेंगे तभी वो आगे जाएंगे. लाइक चाइना ने अब उनका लेबर इतना बैंक सस्ता नहीं रहा पर था पहले, क्योंकि पहले आपको लोगों को अट्रैक्ट करना है, आप उनको सब्सिडी देते हैं कि नो लेबर फोर्स है. और चाइना का अलग वो रहे कि यू नो वहाँ पर 12-15 घंटों की शिफ्ट होती है. इंडिया में एटलीस्ट थोड़ा बेटर है कि थोड़े लेबर लॉज हैं, लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं. चाइना तो रूल्स बाय आयरन फिस्ट, तो कर रहा है, आपको मैन आवर्स ज्यादा मिल रहे हैं, आपको ऑब्वियसली इट हैज टू मेक इकोनॉमिक सेंस. तो वहां रहा और वो धीरे धीरे अप कर रहे हैं. अब वियतनाम आ रहा है, बांग्लादेश आ रहा है, वो आपको टैक्स रिलीफ दे रहे हैं, वो लेबर कॉस्ट आपको कम दे रहे हैं. सो दैट्स व्हाट इंडिया को भी एक पूरा एक लाइक अ बुके देना पड़ेगा कि कंपनीज आए, आप भी उनसे सीखें कुछ, और यू नो ताकि बाकी लोग, जैसे फ्लिपकार्ट आया क्योंकि वो लोग अमेज़न में काम करते थे, इट टुक दैट आइडिया ब्रॉट इट हियर. सिमिलरली जो वहां काम करेगा, नो हाउ सीखेगा, अपना कुछ सेटअप लेके आएगा, बिकॉज़ उसको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी. बिल्कुल हितेश,
आप क्या देखते हैं, किस तरह के चैलेंजेस देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड इस चीज को अचीव करने के? तो गौरव ने सही कहा कि जैसे कि हम लोग अगर उस तरीके की एंटी चाइना सेंटिमेंट की बात कर रहे थे और जिस तरीके से आप बोल रहे हो कि क्या डेवलपमेंट पाथ हो सकता है, चाइना में लेबर जरूर महंगी हो गई है ऑफकोर्स, क्योंकि वहां पर कैपिटल इनकम बढ़ी है और अब कंपनीज का जो नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड है, जो कि हम लोग बहुत सुन रहे हैं, न्यूज में भी पढ़ रहे हैं कि द कंपनीज आर ट्राइंग टू मूव आउट ऑफ चाइना एंड ज्यादातर शिफ्ट जो फोकस शिफ्ट है वो वियतनाम की तरफ है, क्योंकि वहां पर उनको सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, लेबर कॉस्ट है। इंडिया में थोड़ा सा हम लोगों के, देखिए मैं एक उस सेंटिमेंट पे तो ऑफकोर्स मैं भी उसको फॉलो करना चाहूंगा कि एंटी चाइना है तो आई वुड नॉट वॉन्ट टू बाय चाइनीज प्रोडक्ट्स, पर क्या मेरे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं? शायद नहीं है। जस्ट फोकसिंग ऑन स्मार्टफोन्स, व्हाई डोंट वी हैव गुड इंडियन कंपनीज मेकिंग स्मार्टफोन्स? उसका रीजन ये था कि हम लोग जब उस लेवल पे आए, जब जहाँ पे हमने सोचा तब हमें ऑलरेडी एक क्राउडेड मार्केट दिखी थी, हमें दिखा कि कोई ऑलरेडी एस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं, तो उस सिमिलर बिजनेस को करना कोई लॉजिक बनता नहीं था। दैट्स हाउ वी मूव्ड इनटू सर्विसेज, वी मूव्ड इनटू बीपीओस, केपीओस, हम लोग उस तरह के उसमें प्रोसेस में चले गए रादर देन मेकिंग अ प्रोडक्ट। उसका रीजन ये था क्योंकि शायद जब हम लोग, जब वो लोग, आई थिंक चाइनीज पीपल व्हेन दे वर फोकसिंग ऑन दीज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स व्हिच वाज लाइक 25-30 ईयर्स बिफोर, तो वो उस टाइम पे जब वो फोकस करते तब हम लोगों का एज अ कंट्री वॉज फोकस ऑन समथिंग एल्स, वी वर फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स जो हमारे उस टाइम की नीड्स फुलफिल करती, एंड वी आर ए डेमोक्रेसी, सो हमें एसेंशियली पहले उस पर ही फोकस करना था रादर देन गोइंग टॉकिंग अबाउट द बिजनेस। अभी के केस में कैन वी क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स? वी कैन। अब हमारी जो जनरेशन है, जो हमारी तरह की जनरेशन है, वो लोग नए प्रोडक्ट्स बनाना चाहती है, कुछ नया क्रिएट करना चाहती है, तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड हमें शायद अभी टाइम लगेगा, स्लो प्रोसेस है, बट होगा जरूर। जो मुझे अब दिख रहा है कि जिस तरीके से वो एक स्ट्रीक स्टार्ट हुई है कि अब धीरे धीरे हम लोग भी आत्मनिर्भर बन जाएंगे। और कहते हैं ना, देर है दुरुस्त है, तो फाइनली हमें पता चल गया है कि हमें क्या करने की जरूरत है, कहाँ पहुंचने की जरूरत है, तो बस उस तरफ कोशिश करनी चाहिए। और एज अ यूजर, एज अ कस्टमर, आप लोगों से हमारी बस ये रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल इंडियन एप्स यूज कीजिए, इंडियन प्लेटफॉर्म यूज कीजिए, बाकी आप चाइना, यूएस, जहां का भी आपको बॉयकॉट करना है कीजिए, लेकिन बहुत सेंसिबली जो आप डाउनलोड कर रहे हैं उसे बहुत अच्छे से असेस कर लीजिए, एक बार देख लीजिए कि आप उसे एक ट्रस्टेड प्ले स्टोर से ही डाउनलोड कर रहे हैं, वो ऐप की एक लेगेसी हो या उस प्लेटफॉर्म की, फोन की एक लेगेसी हो, कंपनी की, उसे लोग यूज करते हुए आ रहे हो, तभी उसे करिए, वरना आप बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज से भी एक्सपोज हो सकते हैं, इनमें बग्स होते हैं, फ्लॉज होते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, हितेश, आपका हमसे जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और नए एपिसोड, एक और नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए जी बिजनेस।